हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक POS का एग्जांपल समझाऊंगी। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है, तो मैंने इसका के मैप बना दिया। यहाँ पे फोर वेरिएबल्स है, तो मैंने फोर वेरिएबल्स का के मैप बना दिया। तो अब ये POS है, यहाँ पे पाई लिखा है, इट मीन्स ये POS है। अब इन प्लेसेस पे मुझे ज़ीरो लिखना है। SOP में हम वन लिखते थे, लेकिन POS में हम यहाँ पे वन की जगह ज़ीरो लिखेंगे। तो थ्री प्लेसेस पे ज़ीरो, फोर प्लेस पे ज़ीरो, सिक्स प्लेस पे ज़ीरो, सेवन प्लेस पे ज़ीरो, इलेवन प्लेस पे ज़ीरो, ट्वेल्व प्लेस पे ज़ीरो, थर्टीन प्लेस पे ज़ीरो, फोर्टीन और फिफ्टीन। तो इन प्लेसेस पे मैंने ज़ीरो लिख दिया। अब बाकी जो बचे हुए प्लेसेस हैं, उन पे मुझे वन लिखना है। अब मुझे बॉक्सेस बनाने हैं, लेकिन इस बॉक्सेस पे मुझे ज़ीरो इंक्लूड करना है। SOP में वन करते थे, इसमें ज़ीरो करेंगे। और इसमें भी इवन नंबर के बॉक्सेस बनाने हैं, इट मीन्स जो बॉक्स बनाएंगे उसमें इवन नंबर के ज़ीरो होने चाहिए। तो पहला बॉक्स से बना दिया मैंने, दूसरा ये बना दिया, अब तीसरा बॉक्स बनाना है तो ये वाला बना दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री। तो फर्स्ट बॉक्स मेरा ये वाला है, तो ये तो सारे चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हम AB का यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। बचा हमारा ये रहा CD, ये हमारा वन है। SOP में हम वन को बिना कॉम्प्लीमेंट वाला लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वन को कॉम्प्लीमेंट वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे C और D है, इट मीन्स ये वन है और ये वन है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट में, जो इनके वेरिएबल्स हैं, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगी। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे, C कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट। SOP में इनको हम मल्टीप्लाई में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे। तो ये मेरा सी कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये डी कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो मैंने इन्हें प्लस में लिख दिया, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड नंबर की बारी, सेकंड मेरा ये वाला था, इसमें भी इधर वाले सारे चेंज हो रहे हैं, तो ये वाले इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। और ये वाले बचे यहाँ पे AB, तो ये वन है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, रे, और यहाँ पे बीच में प्लस। अब थर्ड नंबर की बारी, तीसरा हमारा ये वाला है, इस साइड हमारे ये वाले आ गए AB में, 0 1 ये चेंज हो रहा है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। B हमारा सेम है, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो B कॉम्प्लीमेंट। अब इस साइड से देखेंगे C और D में, तो ये वाला आ गया इस साइड और ये वाला इस साइड, तो अब ये 0 1 चेंज हो रहा है, C है हमारा 0 और 1 चेंज हो रहा है, तो हम C को इंक्लूड नहीं करेंगे। D हमारा 0 0 ये हमारा सेम है, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो 0 है, इट मीन्स बिना कॉम्प्लीमेंट के लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D और यहाँ पे आपस में लगा देंगे प्लस का साइन, तो ये मेरा आउटपुट आ गया, ये मेरा आंसर ये आया है। बिल्कुल इजी है। बॉक्सेस बनाने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए, सभी 0 को इंक्लूड करना है इसमें, और इस तरह उनका आंसर निकालना है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।